देखिए गोंडा के अंदर सबसे बड़ा तिरंगा, और यहाँ पे देखिए खूब तिरंगा लहरा रहा है घरों पे। भी हम जा रहे हैं गोंडा। जब पिछली बार हम गोंडा में गए थे तो भाई अच्छे सीन जो थे वो दिखा नहीं पाए थे, सिर्फ गांधी पार्क गए, वहाँ पे मीटअप किए और वहाँ से फिर वापस आ गए थे, बाकी कुछ सीन नहीं दिखा पाए थे। वैसे गोंडा में बहुत अच्छे अच्छे सीन है, मैंने सोचा था दिखाएंगे पर दिखा नहीं पाए थे। अभी चल रहे हैं गोंडा और आपको अच्छे सीन आज दिखाते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वॉच करना। ये देखिए यहाँ पे जो है बाढ़ अच्छी सी होती थी हर साल, ये नदी जो थी फुल चल रही थी हर साल और ये भी सब पूरा भरा रहता था हर साल, पर इस साल तो भाई बाढ़ आया ही नहीं। ये अपना जो है नज़दीकी मार्केट धनवी है, पहले बहुत छोटा था पर अब देखो कितना बड़ा हो गया है, मतलब बहुत बड़ा, और सभी सामाने भी यहाँ पे मिल जाते हैं। जो है अच्छी सी स्कूल चल रही है, मार्केट पूरा बढ़ता ही जा रहा है। का मार्केट अभी एकदम बिल्कुल नया सा बना हुआ है और काफी अच्छा है। तक तो हम और आगे निकल जाते हैं क्योंकि रनिंग जो है थोड़ी सी डबल हो गई। हम अपने घर के बाहर जो पुल था उस पे आए, पुल पे मतलब थोड़ा सा सीन दिखाया, उसके बाद में फिर रिटर्न मारना पड़ा घर पे, क्योंकि भाई जो तिरंगा हमने लगा रखा था, तिरंगा आज बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है जिसके कारण से कहीं इधर घूम जा रहा था इधर घूम जा रहा था, तो मैंने सोचा इसको घर पे रख के आते हैं, रास्ते में फेंकना ठीक नहीं होगा। तो फिर हमने रिटर्न मार दिया, घर पे गए, घर पे तिरंगा रखा, उसके बाद में फिर आए, अभी बिंदास चलेंगे। ये देखिए भाई बारिश हो नहीं रही है और धान सूख रहा है तो लोग मशीन से पानी चला रहे हैं। इधर भी नजर फिराओगे चारों तरफ पर धान ही दिखेगा। पेट्रोल के बारे में मैंने एक फैक्ट देखा था, मतलब पढ़ा था कहीं पे देखा था, याद नहीं है, तो उसमें ये बताया गया था कि जैसे जो पेट्रोल पंप के ओनर होते हैं उनको कितना मिलता है मुनाफा एक लीटर पेट्रोल में, तो उसमें बताया गया था कि एक लीटर पेट्रोल में 3.80 रुपये उनको बिजली लेबर और जितने भी खर्चे हैं XYZ सब काट के 3.80 रुपये पेट्रोल पे मिलता है प्रति लीटर के हिसाब से, और डीजल पे 2.60 रुपये। तो ये कम नहीं है, मतलब कि हजारों लीटर बेचते हैं तो कितना मुनाफा हो गया। वाओ, पुरैना के नहरों में भाई पानी तो खूब चल रहा है अभी। ये है विशेषरगंज का हाईवे बहराइच टू गोंडा हाईवे। अभी हम विशेषरगंज आ चुके हैं और अब यहाँ से जो विशेषरगंज से गोंडा का सफर है इसमें काफी मजा आएगा। चलिए अभी हम विशेषरगंज से निकल चुके हैं और ये है विशेषरगंज का थाना, कुछ इस तरह से है। बाकी और बैक साइड में बहुत से सीन है विशेषरगंज में, हमने कई वीडियो भी बनाए हैं विशेषरगंज के, आप देख सकते हो उसे। वाओ, यहाँ भी देखिए भाई पानी खूब चल रहा है। अभी हम आ गए हैं हरिनगर। हरिनगर जो है विशेषरगंज से और गोंडा के एकदम बीच में पड़ता है। देखिए भाई पिछली बार जब हम आए थे मीटअप में तब भी ट्रेन आ गया था और ट्रेन के कारण से बहुत विलंब हो गया था यहाँ पे भी, तो अभी भी ट्रेन आ गई पर आज जो है भीड़ उतनी नहीं है। उधर से आई थी और एक इधर से जा रही है। जब ये है ऊपर से जो ओवर ब्रिज अभी बन रहा है, अभी कंप्लीट फिलहाल के लिए नहीं हुआ है, लगभग काम चालू है इस पर, तो जब ये बन जाएगा ऊपर से ट्रेन के ऊपर से निकल के जाएगा तो यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत कम लगेगी। तो अभी हम गोंडा में आ गए हैं और अब चलते हैं और अंदर
आपको अच्छे वाले सीन दिखाते हैं। बीच में हमारी तबीयत भी खराब हो गई थी, आपको पता ही होगा अगर आपने ब्लॉग देखा होगा हमारा। तो अभी जो है उतनी तबीयत अच्छी भी बराबर नहीं रहती है, जिसके कारण से मतलब थोड़ी मुझे दिक्कत होती है विजिट करने में, ट्रेवल करने में। तो चलिए फिर किसी तरह से वीडियो पूरा करते हैं, मतलब दिखाते हैं आपको अच्छे सीन। अभी क्रॉस किए, फिर से फाटक गिर गया। इधर है सैमसंग का सर्विस सेंटर, और यहाँ देखो रोडों पे अभी पानी का छिड़काव कर रहे थे। इधर देखो ये आनंद समोसा कॉर्नर गोंडा एक नंबर, मीठी मीठी वाली। समोसा यहाँ का बहुत ही बढ़िया था, और इनका एक ब्रांड है आनंद स्वीट एवं समोसा कॉर्नर। इधर के साइड में यहाँ का बस अड्डा है इधर, और कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, तो सारा सीन उसमें हमने दिखा दिया था बस अड्डा का, और भी बहुत से सीन दिखाए थे अच्छे अच्छे, जो जितने भी सीन थे यहाँ के। फिलहाल के लिए अभी हम जो है आ गए हैं गुरु नानक चौक पे, और ये जो है हाईवे निकल के गई है आगे। ये देखिए भाई, इधर जो है कोतवाली गोंडा का पड़ेगा। ट्रैफिक बहुत होती है यहाँ पे। यहाँ का सिटी कार्ट, बहराइच में भी सिटी कार्ट है, तो वहाँ पे हमने शॉपिंग किया था तो आपको दिखाया था। इस ट्रैफिक में भाई गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं है। है भाई बड़ा सा तिरंगा, और यहाँ पे देखिए खूब तिरंगा लहरा रहा है घरों पे। अब थोड़ी सी राहत मिली है इधर। ये देखिए भाई, इधर है मोहन टावर और HDFC बैंक, ये सब मिल जाएंगे इधर, और बाटा का एक शोरूम भी है इधर। ये देखिए गोंडा के बारे में अपना उतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर फिर भी भाई यहाँ पे जो है शोरूम खूब हैं अच्छे अच्छे बाकी अब यहाँ से जो है बैक ले लेते हैं, चलते हैं बैक साइड पे, सीन दिखाते हैं आपको। देखिए भाई हम आ गए हैं जो है झूलेलाल चौराहे पे। ये है यहाँ का झूलेलाल चौराहा, और काफ़ी खूबसूरत बना है। इसमें लिखा हुआ है श्री झूलेलाल चौराहा। ये देखिए गोंडा के अंदर सबसे बड़ा तिरंगा यहाँ पे लगा है। इधर जो है कुछ अच्छे अच्छे गुड्डे मिल रहे हैं। Do you-